हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्नो मैम। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ बहुत सारी टेक न्यूज़। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारी टेक न्यूज़ मैं लेके आया हूँ। तो भाई आज है 51 टेक न्यूज़ हमारी, तो प्लीज़ एक लाइक तो आप लोग का बनता ही है। प्रीवियस टेक न्यूज़ में आप लोगों ने बहुत लाइक दी थी, तो इसलिए मैं आप लोग को जो वीकली हमारी टेक न्यूज़ है वो मैं लाते ही रहा करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। आज की जो टेक न्यूज़ है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो खबर है दोस्तों वो आ रही है MI की तरफ से। आप लोगों ने बहुत जगह जो न्यूज़ है बहुत जगह सुन ली होगी, तो मैंने सोचा मैं भी बता दूं। Redmi Note 5 Pro जो आपको मिलता था 14,000 रुपये में, अब वो मिल रहा है आप लोगों को 15,000 रुपये में। और आप लोगों जो MI TV 4A जो मिलती थी 4,000 रुपये में, 4A नहीं MI TV 4 जो भी आई थी लॉन्च, जो आपको 40,000 में 55 इंच देता था, बट अब वो हो गई उसकी 45,000 रुपीज़ प्राइस। उसका जो वो है आप लोगों को पता है इंपोर्ट चार्जेस जो है वो थोड़ी बढ़ा दिए गए हैं इंडिया में, तो इसलिए जो है वो चार्जेस थोड़ा उन्हें हाई कर दिया है। मैं बात करूँ Redmi Note 5 Pro की, तो Redmi Note 5 Pro में मेरे को कुछ भी सरप्राइज़ नहीं हूँ, क्योंकि जो आजकल ब्लैक मार्केट में वही चल रहा था प्राइस, 14,800 में दे दो भाई, 14,900 में दे दो, 15,000 में दे दो, 15,500 में दे दो, तो यही चलता रहता था MI का। और अभी भी 15,000 करके भी कुछ नहीं उखाड़ा उनने। अब मगर जो है वो थोड़ा जो ब्लैक में, मतलब जो ब्लैक में चलता था वो थोड़ा और हाई हो जाएगा प्राइसिंग, अब 16,000 हो जाएगा, 15,500 ऐसे और बढ़ जाएगा। तो ये जो है हमारे कस्टमर्स के लिए ही बुरी बात है, मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बुरी बात है। और मतलब MI को कुछ ना कुछ तो प्लीज़ अपने सेल में करना ही चाहिए, वरना मेरे हिसाब से ASUS ये मार्केट ले जाएगा, क्योंकि ASUS ने अभी ASUS का Zenfone 5 भी आने वाला है, और अभी ASUS का जो Max Pro भी बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इस प्राइस रेंज में मुझे वो फ़ोन ज़्यादा पसंद है MI के अच्छे से। तो आप लोग बताओ कि आप लोग अब Redmi Note 5 Pro लोगे। और TV की बात करें तो TV में ठीक है, 45,000 भी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है, और TV बहुत ही अच्छी डील है, तो आप लोग को लेना हो तो जाके ज़रूर ले सकते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। दोस्तों जो अगली खबर आ रही है वो आईफोन की तरफ से आ रही है। आईफोन का SE 2 जैसे आप लोगों को पता है बहुत लीक्स और रूमर्स में चल रहा था, तो इसकी जो लॉन्च डेट है वो थोड़ी कंफर्म नहीं है, बट बाहर निकल के आई है कि 4 जून को शायद से आईफोन का SE 2 लॉन्च हो सकता है, और मेरे सबसे धमाका मचा भी सकता है बट नहीं भी मचा सकता है। जो मेन बात आ जाती है आईफोन की, वो है प्राइसिंग बहुत ही हाई कर देता है। जो इसकी स्क्रीन होगी दोस्तों 4 इंच की होगी, IPS की LCD डिस्प्ले, और 4 इंच की डिस्प्ले इस ज़माने में मेरे हिसाब से पता नहीं क्या होता है। टच ID के साथ आप लोगों को मिलने वाला है, 2 GB रैम, 3 GB वाला वेरिएंट और 128 GB वाला भी वेरिएंट आपको मिलेगा, जो प्राइसिंग हो सकती है 20,000 से 30,000 रुपये तक जा सकती है। और भाई इसमें जो प्रोसेसर होगा वो तो वही A10 का प्रोसेसर मिलेगा आपको एप्पल का। बात करते हैं कैमरा की, तो 12 MP का आपको बैक कैमरा देखने मिलने वाला है, और आप लोगों को जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो 1.2 MP का सेल्फी मिल सकता है। 1750 mAh की आप लोगों को बैटरी मिलने वाली है, ऑडियो जैक इसमें मिल जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन सबसे कचरा फ़ोन खिलाया जाएगा इस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है तो। मतलब ये कुछ भी उठा के दे दिया है यार, मतलब आईफोन के लिए। मगर मुझे पता है बहुत सारे लोग ये ले भी लेंगे, क्योंकि आईफोन की ब्रांडिंग है, जैसे कोमियो की ब्रांडिंग है ना दोस्तों, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यहाँ पे आईफोन लिखा है, मतलब बहुत ही, मतलब क्या यार आईफोन, मतलब चल रहे हो तो कुछ भी निकाल दोगे। मैं 2-3 साल बस, मुझे iPhone 10 पसंद है, बट उसकी भी प्राइसिंग बहुत हाई है। iPhone 10 की मेरे हिसाब से 50,000-60,000 प्राइसिंग होती तो बेस्ट फ़ोन होता, बट क्या कर सकते हैं, अब ये भी फ़ोन आने दो, देखते हैं जब आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। अगली खबर आ रही है वो ओप्पो की तरफ से आ रही है। ओप्पो और अमेजोन कुछ पार्टनरशिप करके एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं, जिसका शायद से नाम हो सकता है OPPO A3, और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन चाइना में तो ये फ़ोन लॉन्च हो चुका है, जो प्राइसिंग मैं आप लोग बताता हूँ। और 6.2 इंच की आपको फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है, 2K का डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, मतलब डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। आप लोग को MediaTek का इसमें प्रोसेसर मिलेगा, Helio का P60 का प्रोसेसर, और आप लोग को 4 GB की रैम मिलने वाली है, 128 GB आपको इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है, 6 GB रैम कर देते तो बेटर हो जाता है, 16 MP, और आप लोगों को बैक कैमरा मिलने वाला है, और 8 MP का आप लोगों को फ्रंट कैमरा देखने मिल रहा है। इसमें डुअल कैमरा नहीं देख मिल रहा है, तो मेरे सबसे ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है, बट आपको F2.2 aperture के साथ आता है, 3400 mAh की बैटरी मिलती है आप लोगों को, कलर OS जो ओप्पो का मिलता है वही आप लोगों को इसमें मिल जाता है। इसमें भाई ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन है, बट जो उसकी जो प्राइसिंग है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो प्राइसिंग है जो 64 वाले वेरियंट है 22,100 रुपये की है, और जो सबसे छोटा वेरियंट है वो आपको 21,000 में मिल जाता है। मतलब यार प्राइसिंग 22-23,000 रुपये में, अब चाइना में 25,000 लॉन्च कर दे, इंडिया में 25,000 लॉन्च कर दे पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत ही हाई कर देता है प्राइसिंग। मेरे हिसाब से इस फोन इस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है तो मेरे हिसाब से नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें डुअल कैमरा नहीं है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, बैटरी इतनी बड़ी नहीं है, तो ये बात है इसकी, उस रीज़न की आप लोग को नहीं लेने चाहिए। देख लेते हैं जब ये आएगा तो मैं आप लोग को अपनी ओपिनियन दे दूंगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। तो जो अगली न्यूज़ है वो जियो की तरफ से आ रही है। जियो आप लोग को 8 GB फ्री देने वाला है, मतलब यार हाँ ये बात सच है,
मुझे भी मिला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग करना क्या है, जैसे आप लोगों को पता है क्रिकेट आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल आप लोगों को खेलना है, जो आप लोग आंसर देते हो तो उसका जो प्राइज़ है बहुत सारी जो बहुत खेलते हैं उनको ही मिलता है, और जो छोटे छोटे लोग जो मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं उनको तो मिलता ही नहीं, तो इसलिए जियो ने किया उनको कि 8 GB अब आप लोग को एडिशनल डेटा मिलने वाला है, हमेशा नहीं मिला करेगा, जब भी आप अच्छा खेला करोगे तो आप लोग को 8 GB का डेली डेटा मिलने वाला है। तो देख लेते हैं, मतलब 8 GB बहुत ही होता है यार, और हम तो रोज़ खेल लें तो बहुत सारे जीबी हमें ऐसे मिल जाए और हम अपनी टेक न्यूज़ और हर वीडियो को अपलोड कर सके। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, जियो अब ऐसी रहा तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, ऐसे सबको बांटना चाहिए, पहले 5-5, 10-10 GB बांटता था, 8 GB मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है। और आप लोग बताओ आप लोग को मिल रहा है कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में। दोस्तों चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। जो अगली न्यूज है वोडाफोन की तरफ से, वोडाफोन ने एक चमत्कार कर दिया, आप खुद बिलीव नहीं करोगे। वोडाफोन ने 569 दो प्लान लॉन्च किए, एक 560 मतलब एक 569 का और एक 511 का। तो जो 511 वाला है उसमें आप लोग को 2 GB लिमिट मिलने वाली 84 डेज के लिए, और जो 569 वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो आप लोग को 3 GB की डेली लिमिट मिलने वाली 84 डेज के लिए। तो मेरे हिसाब से ये प्लान मुझे बहुत पसंद आया है, और जियो मगर मेरे हिसाब से जियो भी अच्छा है, मगर मैं कभी भी आप लोग को बोलूंगा नहीं कि वोडाफोन पे आप स्विच करो, क्योंकि बहुत पैसा लूटती है वोडाफोन। मैं आप लोग खुद अपने किस्सा बताता हूँ, वोडाफोन मैं खुद ले चलाया था, तो अभी मैंने उसको पोर्ट करा लिया अपने जियो में, तो अभी तक मुझे उसका बिल आ रहा है, और मैंने बोला जितना बिल आ जाए मगर मैं इस बार पे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यार अब मैं पोर्ट करा चुका हूँ, पूरा बिल क्लियर कर दिया है, जब भी मगर दे रहे हैं मैं बहुत ही दिमाग ख़राब हो जाता है जब भी मेरा वोडाफोन के नाम आता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप जाके वोडाफोन में पोर्ट कराओ, ये सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। अगली न्यूज़ है MI की तरफ से, MI का 7/23 May को चाइना में लॉन्च होने वाला है, और इंडिया में फिर से ये फ़ोन लॉन्च नहीं होगा। मतलब यार इंडिया में मैं कितना वेट कर रहा था MI 6 आ जाए, मगर नहीं आया, पता नहीं MI 7 आ जाए कि नहीं, अब ये तो भाई कंफर्म नहीं है, मगर MI कभी लॉन्च किया नहीं है, MI 5 लगता है उसे यहाँ पे अच्छी सक्सेस नहीं मिली होगी, तो MI को यहाँ पे जो सीरीज़ है वो बंद ही कर दी है। देखते हैं MI 7 आता है तो बहुत ही मज़ेदार कर सकता है, चाइना में तो 23 May को तो लॉन्च होने वाला है, ऑफिशियल इसका जो इन्विटेशन कार्ड है भेजना चालू हो गया, इसमें आप लोग को 8 GB रैम मिलेगी, स्नैपड्रैगन का 845 का प्रोसेसर मिलने वाला है, 250 GB आपको स्टोरेज मिलने वाली, बहुत कुछ इस फोन में देखने मिल रहा है, जब आएगा मैं आप लोग पूरी अपनी ओपिनियन दे दूंगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। दोस्तों जो अगली खबर है वो OnePlus 6 की तरफ से आ रही है। दोस्तों OnePlus 6 तो मतलब हर टेक न्यूज़ में हमारे आ जाता है, तो भाई OnePlus 6 जो खबर आ रही है वो है उसकी प्राइसिंग सी। दोस्तों जो प्राइसिंग हो सकती है वो 37,000 से आप लोगों को स्टार्ट मिलने वाली है, और 40,000 तक जा सकती है। बात कर ले तो उसमें आप लोगों को दो वेरिएंट मतलब 3 वेरिएंट देखने मिल रहे हैं, मगर जो प्राइसिंग सामने आई बस दो वेरिएंट की आई है। तो 37,000 में आप लोगों को मिलने वाला है 64 GB वाला वेरिएंट मिलता है आपको 37,000 में, और 128 GB वाला वेरिएंट मिल जाता है आप लोगों को 40,000 में। तो मेरे हिसाब से जो बोल रहे थे 40,000 के ऊपर होगा वो 256 GB वाला वेरिएंट मिलेगा, जो 8 GB रैम और 256 GB वाला मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये फोन बहुत ही अच्छा हो सकता है, मैं लूँगा तो भाई OnePlus 6 ही लूँगा, वरना और कोई मुझे फोन इंटरेस्टेड नहीं है, तो OnePlus 6 मैं ज़रूर देखूँगा और इवेंट में जाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, हैंड्स ऑन आप लोग को जरूर देने की कोशिश कर लूंगा। जैसे चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। जो अगली खबर आ रही है वो Xiaomi की तरफ से आ रही है। Xiaomi ने बोला है कि इस साल वो अपने 2 फोन Android 1 के साथ लॉन्च कर सकता है, मतलब एक तो Android जो Xiaomi 8 हो सकता है, और पता नहीं और कौन सा फ़ोन जो है वो लोग एंड्रॉयड के साथ 1 के साथ लॉन्च करने वाले हैं। जब भी आएगा मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूंगा, क्योंकि मुझे खुद पसंद है स्टॉक एंड्रॉयड की फील, क्योंकि MIUI 9 मुझे इतना पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है। तो देख लेते हैं जब भी आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। दोस्तों जो बस आज की जो टेक न्यूज़ होती है वो यहीं पर ख़त्म होती है, आप लोग ज़रूर बताओ आप लोगों को कैसी आज की टेक न्यूज़ लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना प्लीज़, क्योंकि लाइक में मतलब मुझे बहुत ही मुझे पता है जैसे आप लोग यूट्यूब से कुछ होता नहीं, बस एक लाइक आप लोग का मतलब फ्री है यार, प्लीज़ एक लाइक तो डाल ही दो यार, बहुत मेहनत करके एक टेक न्यूज़ बनती है, तो प्लीज़ एक लाइक तो डाल ही देना। बस दोस्तों जो आज की टेक न्यूज़ होती है यहीं पे ख़त्म होती है, आज की टेक न्यूज़ थोड़ी बड़ी थी, बट आप लोगों को ज़रूर मैंने इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ करने की कोशिश की है, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आप लोग डेली वीडियोज़ लाते रहते हैं। दोस्तों मिलता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।